अच्छा जी, ये मैं कह रहा था कि माशाल्लाह इसके बल्ब बनना शुरू हो गए हैं और पौधे का साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से बड़ा अच्छा बनता जा रहा है। ये देखें, इसका भी फूल निकला है। इसको हम अब तोड़ देंगे, ठीक है जी। इसके तोड़ने का मतलब क्या होगा, ये देखें, तोड़ दिया मैंने इसको। तोड़ने से क्या होगा मेरे भाइयों, तोड़ने से ये होगा पौधे का जो बल्ब है ना, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। यानी कि पौधा अपने आप को दोबारा बनाने की कोशिश उसकी तरफ जा रहा है, अपनी रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। तो इसमें फूल बनाएगा, फूल बनाने के बाद जो सा है ना वो करेगा, इसमें अपनी प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर देगा। प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो फिर नीचे बल्ब नहीं बनाएगा, ऊपर दाने से बना ले, ठीक है। हमें बल्ब चाहिए तो लिहाजा जो है ना, अब मैं आपको एक पौधे का नाप करके दिखाता हूँ कितने फुट का हमारा पौधा। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जी हमारा पौधा हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2 फुट का। ये सही है क्योंकि लो जी, ये तो 3 फुट से भी क्रॉस हो गया। ये देखें, 0 सही नज़र आ रहा जी, 0, 1 फुट, ये आ गया 2 फुट, ये आ गया जी 3 फुट। अल्हम्दुलिल्लाह 3 फुट के ऊपर हमारे जन से ना, 3 फुट नहीं कहते हम इसे कह रहे थे कि औसत जन सी है 2.5 से 2.5 फुट कह लें, हमारा जन सा है औसत आयु ये मोटाई। तो यहाँ पे भी ये निकला है, इसको भी हम तोड़ देंगे। जहाँ जहाँ पे अभी हमें नज़र आएगा हम तोड़ेंगे। अब लगता है मुझे लेबर लगानी पड़ेगी ताकि जो है ना पौधों का जो है ये साइले देखे, इस किस्म का है ये। अब चूंकि गर्मी है, धूप है काफी ज्यादा, तो मैं भी इन चक्कर लगा रहा हूँ, पौधे छोटे देख रहा हूँ कहीं पे कोई कोई मसला मसाइल तो नहीं। बारिश हमारी, ये बारिश हुई है ना उसके बाद, फिर अभी हमारा इरादा है इसको भी एक या 2 डोज रहती हैं खुराक वाली फर्टिलाइज करना हमने, ताकि इसका ऊंचा है वो अच्छी हेल्थ बढ़ सके। मैंने देखा माशाल्लाह जो है ना इसकी बारिश के बाद मोटाई काफी फर्क पड़ा। खादों का शेड्यूल इतना टाइट नहीं है, आसान ही है। हमने हर खाद इसकी स्प्लिट करके डाली है, मतलब शुरू में जो ज़मीन की तैयारी की और पहले 3-2 महीने वो तो हमने खुराक इसकी बड़ी मतलब जिस तरह डालनी चाहिए वैसे डाली। फिर बाद में हमने एक पानी खुश्क, एक पानी खुराक ऐसे ही डाली। हमने हर पानी पे जो डोज एक पानी में लगनी थी वो हमने स्प्लिट कर दी है, मतलब वो डोज हम आधी आधी डालते थे दोनों दो दो पानियों में। फील्ड का मुआयना कर ले। एक्चुअली वीडियो के हो गए 2 हिस्से, 2 हिस्से कैसे हो गए कि मैंने मेरा हाथ लग गया, तो मैं पैमाइश कर रहा था फुट में तो मेरा हाथ लग गया, वीडियो स्टॉप हो गई, मुझे पता नहीं चला, फिर दोबारा मैंने बनाई। लेकिन करें वीडियो इन्जॉय, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कोई ना कोई बनाएंगे। लमसम की डील भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर कोई पूरा एकड़ लेना चाहता है पूरा एकड़ भी उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह।